Hello everyone, here we are with another video of NCERT chapter 3 atoms and molecules of class 9th, and today we will cover the exercise questions of this chapter. So this is the chapter given in your NCERT books और ये एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक्स के अंदर गिवन हैं. देर आर टोटल 11 क्वेश्चंस गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक्स एंड लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स. द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक्स इज अ 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन वॉज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.096 ग्राम ऑफ बोरोन and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by weight. So आपको question में given है कि आपको एक sample given है एक compound का जिसका weight है 0.24 gram. और उस वो जो sample है उसके ना oxygen है और boron है, और oxygen का भी आपको weight given है और boron का भी आपको weight given है, और आपको percentage composition calculate करना है, यानी कि कितना percent boron उसमें present है और कितना percent oxygen उसमें present है, ये आपको find करना है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ऐसे लिख सकते हैं कि बोरोन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है उसके अंदर बोरोन प्लस ऑक्सीजन प्रेजेंट है. डैट मीन्स 0.04 ग्राम इज़ इक्वल टू 0.096 ग्राम एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. तो हर एक का परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता है 0.24 ग्राम के अंदर 0.096 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, तो आप इसे डिवाइड में करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगा. डेट मीन्स 40% आ जाएगा, बिकॉज टोटल जो सैम्पल है उसका वेट इतना है, ऑक्सीजन का गिवन सॉरी बोरोन का गिवन वेट इतना है, और आपको परसेंटेज पूछा है तो आप उसे डिवाइड में करके और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास परसेंटेज ईजिली आ जाएगा. नेक्स्ट ऑक्सीजन का देख लेते हैं. सो अगेन आपको वही करना है, टोटल सैंपल का जो वेट है उसे नीचे लिखना है और ऊपर आपको लिखना है ऑक्सीजन का वेट जो गिवन है, और 100 से उसे मल्टीप्लाई कर देना है, एंड देन यू विल गेट दी परसेंटेज दैट इज 60%. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज When 3 gram of carbon is burnt in 8 gram oxygen, 11 gram of carbon dioxide is produced. What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? So question में आपसे कहा गया है कि जब हम 3 gram of carbon को burn करते हैं 8 gram of oxygen के साथ में, तो हमें carbon dioxide मिलता है वो भी 11 gram. अगर आपको question पूछा गया है कि अगर आप जो कार्बन है वो 3 ग्राम ही लो और उसको बर्न करो 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ में, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास बनेगा, निकल करके आएगा, प्रोड्यूस होगा, वो आपको बताना है. और साथ में ये भी बताना है कि कौन सा केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ जो है आपके आंसर को गवर्न करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, इसको इक्वेशन से समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में बर्न करते हो तो हमारे पास CO2 बन के आता है. 1 मोल ऑफ कार्बन लेते हैं और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बन जाता है. एज यू ऑल नो कि जो कार्बन है उसका वेट होता है 12 ग्राम, और ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो हम लेते हैं वो O2 होता है और उसका वेट होता है 32 ग्राम, और जो CO2 बन कर के आता है उसका वेट होता है 44 ग्राम. तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें, अगर आप इस पूरी इक्वेशन को अगर आप 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 4, देन यू विल गेट द रेशियो लाइक 3:8:11 जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो ये रेशियो आपको मिलेगा. तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन गिवन है वो हमेशा 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेंगे ताकि उनके पास में जो है 11 ग्राम ऑफ CO2 बन करके आ सके. इसका रेशियो फिक्स रहता है, यानी कि जो 3 ग्राम ऑफ कार्बन है वो हमेशा 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा. जो आपने 50 ग्राम यहाँ पे ली है एक्स्ट्रा में, जो क्वेश्चन में आपको गिवन है 50 ग्राम, तो उसमें से सिर्फ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ही यूटिलाइज होगी, इतनी ही बर्न हो पाएगी, जो बाकी रिमेनिंग है वो एज इट इज़ बिहाइंड लेफ्ट हो जाएगी और हमारे पास 11 ग्राम ऑफ CO2 ही बन करके आएगा. सो एज़ यू कैन सी हेयर,
कि जो कंज्यूम हुई है जो ऑक्सीजन वो 8 ग्राम ही रहेगी और 42 ग्राम्स जो है वो लेफ्ट बिहाइंड हो जाएगी। और ये जो हमारा आंसर है ये जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इस लॉ को गवर्न करता है, यानी कि जो कंपाउंड्स होते हैं जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हमेशा उनका प्रोपोर्शन कांस्टेंट रहता है, एक पर्टिकुलर रेशो के अंदर ही वो एक दूसरे से जुड़ करके प्रोडक्ट बनाते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज़ क्वेश्चन नंबर 3, वॉट आर पॉली एटोमिक आयन्स, गिव एग्जाम्पल्स। पॉली एटोमिक आयन्स क्या होते हैं एग्जाम्पल के साथ में आपको बताना है। इट इज़ वेरी सिंपल, द आयन्स विच कंटेन मोर देन वन एटम्स सेम काइंड और मे बी ऑफ डिफरेंट काइंड एंड बिहेव एज अ सिंगल यूनिट आर कॉल्ड पॉली एटोमिक आयन्स। ऐसे आयन्स जिनके अंदर एक से ज़्यादा एटम्स बने होते हैं, एक से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं और वो सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं, उन्हें हम कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन्स। फॉर एग्जांपल OH माइनस, अब OH माइनस है उसमें एक एटम ऑक्सीजन का है और एक एटम हाइड्रोजन का है, यानी कि सेम काइंड के भी हो सकते हैं और डिफरेंट काइंड के भी हो सकते हैं और उसके ऊपर चार्ज भी है माइनस, इसलिए ये एक आयन है। तो यानी कि ये है तो डिफरेंट आइटम से मिलकर के बना होता है लेकिन ये सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करता है, इसे कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन। एंड SO4 2 माइनस ये सल्फेट आयन होता है एंड CO3 2 माइनस ये कार्बोनेट आयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। आपको फॉलोइंग के केमिकल फॉर्मूलाज लिखने हैं। फर्स्ट वन इज़ मैग्नीशियम क्लोराइड। सो एज़ यू हैव ऑलरेडी सीन कि सबसे पहले हम क्या करते हैं इनके सिंबल्स लिखते हैं, तो मैग्नीशियम के नीचे आप मैग्नीशियम का सिंबल लिख दीजिए और क्लोराइड के नीचे आप क्लोराइड का सिंबल लिख दीजिए, देन यहाँ पर चार्ज आएगा, इट इज़ चार्ज। जो मैग्नीशियम के नीचे चार्ज होता है +2 एंड क्लोराइड हैव -1, देन क्रॉस इट, आप दोनों को क्रॉस कर दीजिए, -1 जो है वो मैग्नीशियम के पास चला जाएगा और +2 जो है वो क्लोरीन के पास चला जाएगा और इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा MgCl2। नेक्स्ट वी हैव इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले इनके सिंबल्स लिखने हैं, कैल्शियम का होता है Ca और ऑक्साइड का होता है O, देन वी विल राइट दी चार्जेस, कैल्शियम कंटेन्स +2 एंड ऑक्सीजन कंटेन्स -2, देन वी विल क्रॉस, दोनों का सेम है इसलिए वो कट ऑफ हो जाएगा और 2-2 है तो वो 1-1 रह जाएगा, देन इट इज़ CaO। देन नेक्स्ट वी हैव इज कॉपर नाइट्रेट। सबसे पहले सिंबल लिखेंगे कॉपर, द सिंबल ऑफ कॉपर इज Cu एंड द सिंबल ऑफ नाइट्रेट इज NO एंड चार्ज ऑन कॉपर इज +2 एंड चार्ज ऑन NO इज -1। सो इस तरीके से हम जब एक्चुअली क्लास जो सिंबल होता है नाइट्रेट का वो NO3 होता है, सो देयर इज़ अ मिस्टेक गिवन हेयर, जो सिंबल होता है नाइट्रेट का वो NO3 होता है। सो इस तरीके से अगर जब आप इसे सॉल्व करोगे एंड यहाँ पे ये 4 नहीं आएगा, CuNO3 होल ट्वाइस, इस तरीके से आपका फॉर्मूला जो है वो निकल के आएगा। देन नेक्स्ट डी इज़ एल्यूमिनियम क्लोराइड, सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम इज़ Al एंड क्लोराइड इज Cl, चार्ज इन एल्यूमिनियम इज +3 एंड Cl इज -1, देन वी विल गेट AlCl3 आफ्टर क्रॉसिंग। देन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca एंड कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3, चार्ज जो होता है कैल्शियम पर वो होता है +2 और CO3 पर होता है -2, क्रॉस करेंगे दोनों का कट ऑफ हो जाएगा, 2-2 का 1-1 हो जाएगा, देन वी विल गेट CaCO3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको फॉलोइंग कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिन एनिमल एलिमेंट्स से मिलकर के ये कंपाउंड बना है, उनके नेम्स आपको देने हैं। पहला है क्विक लाइम, जो क्विक लाइम होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं उसे, और उसके एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम और ऑक्सीजन। देन नेक्स्ट है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के अंदर हाइड्रोजन और ब्रोमीन प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट इज़
बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और उसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव इज पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट के अंदर पोटेशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। आपको फॉलोइंग सब्सटेंसेस के मोलर मास कैलकुलेट करना है, इट्स वेरी इजी। जितने भी आपको एटम्स दिए हुए हैं उन सब के एटॉमिक मासेस को उनके नंबर से मल्टीप्लाई करके और एड ऑन कर देना होता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको गिवन है इथाइन। इथाइन के अंदर जो इथाइन का फॉर्मूला होता है वो होता है C2H2। देन देर आर टू एटम्स ऑफ कार्बन एंड टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो उनको 2-2 से मल्टीप्लाई किया है उनके एटॉमिक मासेस को एंड सो वी विल गेट 26 grams। देन नेक्स्ट इज सल्फर मॉलिक्यूल। सल्फर जो होता है वो S8 होता है, इसलिए वी विल डू 8 × 32 एंड वी विल गेट 256 gram। देन नेक्स्ट वी हैव इज सल्फर मॉलिक्यूल। सल्फर मॉलिक्यूल इज S8, सो वी विल मल्टीप्लाई 8 × 32 एंड वी विल गेट 256 grams। देन नेक्स्ट इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो होता है वो P4 होता है और एक फॉस्फोरस का एटॉमिक मास 31 होता है, सो वी विल मल्टीप्लाई 4 × 31 एंड वी विल गेट 124 grams। इट इज़ 124। एंड नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डेट इज़ HCl। HCl के अंदर 1 × 1 डेट इज़ फॉर हाइड्रोजन एंड 1 × 35.5 बिकॉज द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। देन वी विल गेट 36.5 grams। नेक्स्ट इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, देन देर इज़ 1 atom ऑफ हाइड्रोजन, 1 atom ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 atoms ऑफ ऑक्सीजन, तो इसलिए 3 × 16 एंड देन वी विल गेट बाय एडिंग देम 63 grams टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 7। वॉट इज़ द मास ऑफ 1 mole ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। नाइट्रोजन एटम्स के 1 mole का वेट क्या होता है या मास क्या होता है। सो एज वी ऑल नो दैट द मास ऑफ 1 mole ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14 gram। एज यू ऑल नो कि 14 जो होता है वो एटॉमिक मास होता है नाइट्रोजन का एटम का, इसलिए उसके जो 1 mole होगा उसका मास भी कितना होगा, 14 grams। देन नेक्स्ट इज 4 moles ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। एल्यूमिनियम एटम्स के 4 moles हैं और जो एटॉमिक मास होता है एल्यूमिनियम का वो 27 आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो 1 mole होता है एल्यूमिनियम एटम का, जो 1 mole होता है उसका जो वेट है वो 27 grams होता है, तो इसीलिए आपको 4 का बताना है। देन यू विल मल्टीप्लाई इट बाई 4 एंड वी विल गेट 108 gram। नेक्स्ट इज 10 moles ऑफ सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड का आपको फॉर्मूला गिवन है, केमिकल फॉर्मूला Na2SO3 और उसका पूछा है आपको 10 moles का मास। देन सबसे पहले आप जो आपको फॉर्मूला गिवन है उसके अंदर 1 mole का आप मास फाइंड आउट करेंगे। 1 mole का मास फाइंड आउट करने के लिए आप इसका मॉलिकुलर मास को ही फॉलो करेंगे। आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 × 23 बिकॉज यहाँ पे 2 atoms ऑफ नाइट्रोजन है, देन 32 सल्फर के लिए, देन 3 × 16 बिकॉज यहाँ पे 3 atoms ऑफ ऑक्सीजन है। टोटल अगर आप इसका करेंगे तो 126 grams आएगा, यानी कि ये 1 mole का मास है। अब आपको 10 का पूछा है तो देन यू विल मल्टीप्लाई इट बाई 10 एंड यू विल गेट 1260 grams। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव इज कन्वर्ट इंटू मोल। आपको इसे मोल में कन्वर्ट करना है 12 gram ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन मास है हमारे पास स्टेटस ऑक्सीजन का 12 grams एंड यू ऑल नो कि जो ऑक्सीजन गैस होती है O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ऑक्सीजन गैस, उसका मोलर मास होता है 32 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो गिवन मास है हमारे पास 12 एंड मोलर मास है हमारे पास 32, उन्हें दोनों में डिवाइड में रखेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, डैट इज़ 0.375 moles। देन नेक्स्ट बी इज़ 20 grams ऑफ वाटर। 20 grams ऑफ वाटर के आपको मोल के अंदर कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आपको पता ही है वाटर जो होता है वो 20 ग्राम होता है, H2O होता है यहाँ पे। देन जो H2O है उसका मोलर मास अगर आप निकालेंगे तो 2 × 1 + 16 डैट इज़ 18 grams आएगा और आपको क्वेश्चन में
20 ग्राम्स पूछा है. अगेन आप वही फॉर्मूला लगाओगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, डेट मीन्स 20/18 एंड यू विल गेट द आंसर 1.112 मोल्स. द नेक्स्ट सी इज 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है. सबसे पहले आप मोलर मास लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2, डेट मीन्स 12 × 1 एंड 2 × 16, बिकॉज वी हैव 2 atoms of 16. देन यू विल गेट 44, यानी कि मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है. क्वेश्चन में आपको 22 गिवन है, तो अगेन आप सेम फॉर्मूला लगाओगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास एंड यू विल गेट द आंसर 0.5 मोल्स. तो जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक ही मेथड होता है, नंबर ऑफ मोल्स को हम एन से डिनोट करते हैं. एन इज इक्वल टू गिवन मास, यानी क्वेश्चन में जो आपको मास गिवन है वो, अपॉन मोलर मास, जो एक्चुअल में मोलर मास होता है किसी भी कंपाउंड का वो. इस फॉर्मूला से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 9th, डैट इज व्हाट इज द मास ऑफ, ए इज 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. ऑक्सीजन एटम्स के आपको मोल्स गिवन हैं और आपको मास फाइंड आउट करना है. सो सबसे पहले आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, मोल्स जो है वो है 0.02 मोल, और मोलर मास जो होता है ऑक्सीजन एटम्स का वो 16 ग्राम होता है. ऑक्सीजन एटम का मोलर मास इतना ही होता है. तो मास निकालने के लिए आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास मास आ जाएगा. बिकॉज हमने वो सेम फॉर्मूला लगाया अभी कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. अब आपको मोल्स गिवन है और मोलर मास आपको पता होता है और आपको उससे गिवन मास पूछा है, तो आप इसी फॉर्मूला से ये जो है इसके पास चला जाएगा और नंबर ऑफ मोल्स और जो मोलर मास है उनको मल्टीप्लाई करने के करने से आपके पास गिवन मास आ जाएगा. तो यानी कि उसी फॉर्मूला को आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे पुट करके देखें और समझें तो ये क्वेश्चन भी ईजीली वैसे ही सॉल्व हो जाएगा. नेक्स्ट इज 0.05 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. सो अगेन आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और इसका मॉलिकुलर मास आप मोलर मास आप फाइंड आउट कर सकते हैं. वाटर का मोलर मास 8 होता है. तो अगेन आप गिवन मास निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, और नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 18 एंड यू विल गेट द आंसर 9 ग्राम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर. सो आपको सल्फर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं और जो कि उसके 16 ग्राम के अंदर प्रेजेंट होंगे. तो सबसे पहले आपको उसका मोलर मास फाइंड आउट करना है कि जो एसिड सल्फर होता है उसका मोलर मास क्या होता है. इट इज़ 256, बिकॉज जो सल्फर का एक सल्फर का एटम जो होता है उसका मास होता है 32. व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 8 देन यू विल गेट 256 ग्राम्स. तो आपको पता है कि जो एक इसका मॉलिक्यूल होता है S8, उसके अंदर 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स होते हैं और गिवन मास जो है वो आपको है 16 ग्राम्स. तो अगर आपको मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर फाइंड आउट करने हैं 16 ग्राम्स के अंदर, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली 16 मल्टीप्लाई बाय 6.022 × 10⁻²³ डिवाइड बाय 256 एंड यू विल गेट 3.76 × 10⁻²² मॉलिक्यूल्स. देखो ये बहुत ही सिंपल है, इसका एक लॉजिक आप समझिए. सपोज़ कि आपसे कहा गया है कि आपके पास दो बैग्स हैं और उन दो बैग्स के अंदर 50 कॉइन्स हैं, ठीक है. तो आपसे पूछा है कि 5 बैग्स के अंदर कितने कॉइन्स होंगे. सिंपली वैसे ही जब आपसे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं, तो आप उसको सिंपलीफाई वे में, जो उसका सिंपलेस्ट वे होता है, उसको फाइंड आउट करिए. जैसे कि S8 है, S8 का आप सिंपली फाइंड करोगे कि इसके ना इतने मॉलिक्यूल्स होंगे और फिर जितना पूछा है उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दो. जैसे कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता कि 2 बैग्स के अंदर 50 कॉइन्स हैं तो 5 बैग्स के अंदर कितने होंगे, तो व्हाट यू विल डू, यू विल डिवाइड 50/2 एंड देन यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 5. तो वही चीज़ हमने इस क्वेश्चन के अंदर भी की है. हमने सबसे पहले जो टोटल मॉलिक्यूल्स हैं उसको 256 से डिवाइड किया और फिर उसे 16 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास जितने मॉलिक्यूल 16 ग्राम ऑफ सल्फर में होने चाहिए थे वो आ गए.
सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th एंड इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन. लेट्स सी इट. कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन्स प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. हिंट, द मास ऑफ एन आयन इज द सेम एज दैट ऑफ एन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट. एटॉमिक मास ऑफ Al इज 27 U. आपको नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन्स पता लगाने हैं, कैलकुलेट करने हैं, इतने 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर कितने नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन्स प्रेजेंट होंगे. सो आपको एक हिंट दिया हुआ है कि जो आयन्स का मास होता है वो चेंज नहीं होता है. किसी भी एटम के अंदर आयन्स का मास एटम के जैसा ही होता है, चेंज नहीं होता है. बिकॉज़ जो मास होता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर डिपेंड करता है, और एक एटम जब आयन में कन्वर्ट होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स के अंदर चेंज आता है. सो सबसे पहले आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है. मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3. सबसे पहले आप यहाँ पर टू एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम है, देन यू विल मल्टीप्लाई 2 by 27 एंड देन वी हैव 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, सो विल मल्टीप्लाई 3 by 16 एंड वी विल गेट 102 ग्राम. ये है हमारा मोलर मास. सो आफ्टर गेटिंग 102 ग्राम्स हम ये देख सकते हैं कि जो 102 होता है, यानी कि एक जो मॉलिक्यूल होता है Al2O3 का, उसके अंदर कितने आयन्स हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है उसके टू एटम्स आपको गिवन है, इसलिए आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टोटल एल्यूमिनियम के आयन्स आ जाएंगे, जो कि 102 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर जो प्रेजेंट है. फिर आप इतने निकालने के बाद में जब आप इसे 0.051 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टोटल जो 0.051 ग्राम Al2O3 के अंदर जितने एल्यूमिनियम आयन्स प्रेजेंट हैं वो आपके पास आंसर आ जाएगा. सो एज़ यू कैन सी हमने यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर दिया है. आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 6.022 × 10⁻²⁰ Al3+ आयन्स. सो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन आंसर्स. फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड देन यू कैन कमेंट मी बिलो. और इस चैप्टर से रिलेटेड या और किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.